जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का जो विषय है दोस्तों, वो काफ़ी प्रचलित है कि हमारी जो नींद है वो कब खुलती है। कई लोग भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं रात्रि में जब उनकी आँख खुल जाती है, तो क्या कितना सही है कितना गलत है, और किस समय आँख अगर हमारी खुल रही है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा शुभ होता है। देखिए, यदि आपकी नींद 2 बजे के बाद 5-5:30 बजे के बीच, 2 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच यदि आपकी नींद खुलती है, तो ये आपके लिए गलत नहीं हो सकता। ये आपके लिए बहुत ही शुभ स्थिति है, शुभ बहुत ही शुभ फलदायक रहेगा। तो आप इसका फायदा उठाएं। क्यों? क्योंकि 2 बजे के बाद लगभग 2:30 के आसपास विष्णु मुहूर्त दिन और रात्रि मिलाकर 30 मुहूर्त होते हैं। तो 2-2:30 बजे के आसपास ही विष्णु मुहूर्त बोलते हैं जिसको, वो होता है, और उस मुहूर्त को शुभ मुहूर्त की श्रेणी में रखा जाता है। जिस प्रकार ब्रह्म मुहूर्त होता है शुभ, उसी प्रकार विष्णु मुहूर्त शुभ होता है। जब आप किसी भी काम को या पूजा पाठ को शुद्ध सात्विक तरीके से दिल लगाकर करते हैं, तो उस समय नेचर, जो प्रकृति है, वो भी आपका साथ देने लगती है। तो जब आपके पास में पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी, पॉजिटिव ऑरा बढ़ेगा, तो आप ऑटोमेटिक जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, जो विष्णु मुहूर्त का समय है, उस समय आपकी नींद जरूर खुल जाए। तो इसको गलत ना समझे, इसको गंवाए भी नहीं, हो सके तो हाथ मुंह धोकर ध्यान कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं स्नान नदी से निवृत्त होकर, या योगा प्राणायाम भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। और जो जिस भी उद्देश्य की वजह से आप कोई भी काम कर रहे थे या साधना कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, उसको यह समय सुगम बना देगा आपके लिए, बहुत ही अच्छा समय है। यदि आपकी आँख 2 से लेके 5 बजे के बीच में खुल रही है, तो आप इसको भगवान का आशीर्वाद समझकर मान लीजिए। जो भी आपसे बन पड़े, योगा सन प्राणायाम कर सकते हैं इसके अंदर, मेडिटेशन कर सकते हैं इसके अंदर, हाथ मुंह धोकर, ब्रह्ममुहूर्त है, मन के अंदर मंत्रों का जाप कर सकते हैं। सबसे अच्छा तो ध्यान है, प्रभु के नाम स्मरण कर सकते हैं, करके देखिए, जरूर आपको फायदा मिलेगा। और घबराए नहीं, बहुत शुभ स्थिति है 2 बजे के बाद की। विष्णु मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त का फायदा उठाइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो क्या आपको 100% 100% फायदा मिलेगा ही मिलेगा, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी फिलहाल इतना ही। तो जो भी भयभीत होते हैं, डरते हैं, डरे नहीं, इसका फायदा उठाएं, काफ़ी अच्छा
समय होता है जब प्रकृति हमको कुछ देना चाहती है, तो उसे आप लीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी ज्ञान मिले और वो भी इसका फ़ायदा उठाएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।